सो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की अपडेट होने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। तो डेफिनेटली ये आपकी NWDA के अंदर जॉब निकली है, रिक्रूटमेंट 2022 है, परमानेंट जॉब होने वाली है और सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हाँ, यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिमांड करी गई है, पर इसका एडवांटेज भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट है तो आपका कॉम्पिटिशन लेवल काफी ज्यादा लो होगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंक्रीज जाएंगे। अब आप स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड होंगे कि यार क्या क्वालिफिकेशन है, अप्लाई कैसे करना है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। जस्ट 3 मिनट्स आपको यहाँ पे देने हैं। हो सकता है आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैच हो तो बहुत मिनिमम सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आपको बहुत जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विद 65,000 रुपीज सैलरी की जॉब। तो फ्रेश है, डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। सारी इंफॉर्मेशन के लिए यार इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू PSU एंड गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रिजल्ट। तो मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ NWDA रिक्रूटमेंट 2022 की अपडेट, जो कि आपका स्टैंड करता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। यस, डेफिनेटली जो एजेंसी है वाटर से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड काफी अच्छा काम करती है, पर यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल है वो असिस्टेंट इंजीनियर की होने वाली है। डेफिनेटली इंजीनियर सुनते साथ एकदम से मन में आता है यार ये बीटेक कैंडिडेट के लिए होने वाली है, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, पर यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिमांड है वो बीटेक इन सिविल है। Yes, अगर आपने बीटेक सिविल इंजीनियर में अपनी कंप्लीट करी है तो यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट, और यही चीज यहाँ पे इसको स्पेशल बनाती है। एकदम स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे दिया गया है, अगर क्वालिफिकेशन है, अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है 2020 और 2021 और आपने अच्छा स्कोर करा है, तो ये समझ लिए कि ये जॉब आपको मिल जाएगी। बहुत ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक तो क्वालिफिकेशन, दूसरा गेट का स्कोर 2020 और 21 का। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया आपके पास है तो ये जॉब आपकी होने वाली है, परमानेंट जॉब है। 65,000 के अराउंड यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है, और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 21 से 28 दी गई, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल होने वाली है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम है, जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई करें। अप्लाई का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, सिंगल क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, या आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होता है यार एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, यार एग्जाम का पैटर्न नहीं तो लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो उसके लिए हम है ना, आप बस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आप किस पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन लेवल, एडमिट कार्ड या किसी भी टाइप की डिफिकल्टी अगर आप फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट एंड PSU सेक्टर के लिए, तो आप अगर हमें कमेंट में बताएंगे तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली हमारे वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, वीडियो को लाइक करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल को ज्वाइन करके रेगुलरली जॉब्स के अपडेट लेते रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है वो गवर्नमेंट और PSU सेक्टर की तैयारी करते हैं और एक साल के अंदर वो कितने एग्जाम देते हैं, 5, 6, 7। आपको सोचिए अगर आप 7 एग्जाम दे रहे हैं आपके सिलेक्शन से चांसेस कितने होंगे, वहीं पे आप 20 से 21 एग्जाम देते हैं एक साल के अंदर, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो हार्ड वर्क तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा, पर अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क जरूर करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।